Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds Class 7 by Brain Root. So today we are starting Chapter 6, Lines and Angles. Very interesting chapter. So let us start getting ready. A zoo is a place where animals are kept for us to see. Aap mein se kaafi log zoo gaye honge, you like it. So the word zoo is short for zoological garden. Zoo contain a wide variety of animals that are native to various parts of the earth. So look at the fence in zoo formed by perpendicular and parallel lines. आप देख सकते हैं जो भी walls हम देखते हैं अपने घर में देखते हैं या कहीं किसी building में भी देखते हैं वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है perpendicular and parallel lines से. So in this chapter we are talking about perpendicular lines, parallel lines and the angles. Okay, so list four examples from real life where you see parallel and perpendicular lines. So now introduction. In previous class we have learned about angles and their properties. In this chapter we shall learn about some more properties of angles such as adjacent angles, linear pair, complementary, supplementary, etc. Okay, so let us start. In a plane, two lines that are always the same distance apart are called parallel lines. Parallel lines kya hoti hai? Jinke beech ki jo distance hai hamesha same rehti hai jitna marzi hum extend kar de. Means they will never meet. Ab aap koi bhi aapka क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है उसके आप अपोजिट एजेस देखेंगे तो दीज आर पैरेलल. ओके, आप उसको सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी मीट नहीं करेंगी. ऐसे ही रेलवे ट्रैक है, दे विल नॉट मीट, राइट? सो टू लाइंस दैट क्रॉस और मीट ईच अदर एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग. जब दो लाइंस आपस में कट कर जाएं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर. जब दो लाइंस 90 डिग्री एंगल बनाएंगी एक दूसरे के साथ वो बन जाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ बी श्योर पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एंड हैव नो कॉमन पॉइंट. ओके, एज आई टोल्ड यू. सो नाउ ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल क्या है? सो लेट अस सी. अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइंस एंड हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद ईच ऑफ दोज लाइंस. द गिवन लाइंस मे और मे नॉट बी पैरेलल. कोई भी दो लाइन हमें गिवन है, जैसे एल और एम है, इसको एक लाइन कट कर रही है पी डिफरेंट पॉइंट पे ए और बी पे. तो पी इज वॉट? पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम. नाउ बी पार्ट हियर, पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दीज पैरेलल लाइन. ओके, पी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एंड एम इंटरसेक्टिंग देम एट पॉइंट ए एंड बी. ऐसे ही इस सी पार्ट में आप देख सकते हैं इसमें जो है पी है वो इस एल को भी कट कर रहा है, M को भी कट कर रहा है और N को भी कट कर रहा है. सो P इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन L, M एंड N इंटरसेक्टिंग देम एट पॉइंट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली. ओके, तो आई होप ट्रांसवर्सल इज क्लियर टू यू. नाउ अब आप देख सकते हैं इन फिगर 6.3 A एंड B, L इज नॉट अ ट्रांसवर्सल बिकॉज इट डज नॉट कट द अदर लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. इस फिगर में एल को हम ये नहीं कह सकते ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंट पॉइंट पे कट नहीं कर रहा वो लाइन्स को. ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं आ रहा, राइट? सो नाउ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन. अब हम कंसिडर कर रहे हैं टू पैरेलल लाइन और एक हम ले रहे हैं ट्रांसवर्सल. लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन एंड पी इज द ट्रांसवर्सल कटिंग एट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट लाइक दिस. ओके, सो आपके पास
आपको एंगल्स दिख रहे हैं, हाउ मेनी एंगल्स वी आर गेटिंग ओवर हेयर, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, वी आर गेटिंग टोटल 8 एंगल्स ओवर हेयर. ओके, सो लेट ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कट्स देम एट डिफरेंट पॉइंट. तो आपके पास 8 एंगल्स आ गए. अब हम इन 8 एंगल्स के बारे में बात करते हैं, किस टाइप के एंगल हैं. सो इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दस फॉर्म्ड आर इक्वल. तो इसमें बनेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल. एक हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये टू लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, एक होगा लाइक हेयर एक्सटीरियर और एक होगा इंटीरियर. फ्रॉम दिस फिगर 1 and 5, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग. और अगर हम इस साइड बात करें तो 2 and 6, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, सेम साइड पे बने और 1 exterior मीन्स बाहर और 1 interior. एक लाइन पे वो बाहर आ रहा है, एक लाइन पे वो अंदर आ रहे हैं. ठीक है, सो 1 and 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग, 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग. तो 1 equal to 5 एंड 2 equal to 6. और कौन से पेयर बनेंगे? सपोज एक एंगल यहाँ पर है, दिस इज 4 एंड दिस इज 8. सो 4 and 8, दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग. सिमिलरली इस साइड 3 and 7, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग. तो हमारे पास कितने पेयर आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग के? 4 pairs. 1 equal to 5, 4 equal to 8, 2 equal to 6 एंड 3 equal to 7. राइट, ये थे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर. किसकी बात करेंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर यानी ये वाला पोर्शन. ऑल्टरनेट मीन्स डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट बनते हैं अपोजिट साइड में. तो 4 equal to 6 एंड 3 equal to 5. तो इसमें 2 pairs होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर के. एक बार फिर देख लो, डिफरेंट साइड पे होंगे. ओके, और ऐसे डायगनल लाइक 3 and 5, 4 and 6, और दोनों इंटीरियर होंगे. सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. सो 2 pair, 3 equal to 5 एंड 4 equal to 6. ऐसे हम बात करते हैं. अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी एक्सटीरियर जो बाहर है और डिफरेंट साइड में है, यानी 1 and 7 एंड 2 and 8. सो दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. तो 2 pair होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर के और 2 pair होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के. आई होप इट्स क्लियर टू यू. राइट, तो अभी हमने बात की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, जिसके 4 pair से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर 2 pair डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बोथ आर इंटीरियर. एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मीन्स डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बोथ आर एक्सटीरियर 2 pair. राइट, सी नाउ द नेक्स्ट इज को इंटीरियर, यानी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बोथ आर इंटीरियर. देखो इसमें टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें से 4 इंटीरियर हैं. इंटीरियर मीन्स जो अंदर ये पोर्शन है यहाँ पर आएंगे, और एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर आएंगे. 1, 2, 7 and 8 एक्सटीरियर हैं, 3, 4, 5 and 6 इंटीरियर हैं. ओके, अब हम बात करते हैं जो सेम साइड पे है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और इंटीरियर हैं, तो वो आपस में उनका क्या रिलेशन होगा? दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मीन्स देयर सम इज 180. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180, और इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. सो यू कैन राइट 3 plus 6, 180,
4 plus 5 equals to 180. ओके ऐसे ही जो एंगल सेम साइड पे है लेकिन बाहर है, सो इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180, यानी 2 प्लस 7 180, 1 प्लस 8 180. So, we can say that if two distinct lines are intersected by a transversal and if any one of the following three properties hold good. देखो, अगर two parallel lines cut करते हैं transversal से, तो alternate angles equal, corresponding angles equal, co-interior angles are supplementary. और अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होती है, तो इट मींस हमें सपोज लाइंस गिवन है, हमें नहीं पता वो पैरेलल हैं या नहीं है, बट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज देयर लाइक एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इक्वल और अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइन्स आर पैरेलल. अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्वेश्चन में, तो जो गिवन लाइन्स हैं वो क्या होंगी? पैरेलल. राइट? सो बी श्योर लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, नाउ एग्जाम्पल वन इज गिवन ओवर हियर. Like in figure 6.5, angle 1 is 75. हमें एक angle given है 175. ठीक है, और हमें बाकी सब angles यानी 7 के 7 angles find करने हैं. तो हम कैसे करेंगे? We know very well 1 और 3 में क्या relation है, these are vertically opposite. तो 3 हमारा क्या बन जाएगा? 75. आपने हमेशा कोई भी जो स्टेटमेंट आप देंगे उसका रीजन यू हैव टू मेंशन. 1 = 3, वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो 3 बन जाएगा 75. अब 3 और 5 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल. तो 5 क्या आ जाएगा हमारे पास? 75. 5 और 7 क्या है? वर्टिकली अपोजिट. तो 7 क्या आ जाएगा हमारे पास? 75. ओके, अब हम करेंगे बाकी एंगल्स फाइंड. अब आपने क्या करना है? 4 एंड 5 ये दोनों क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री. देयर सम इज 180. तो हम फाइंड कर लेंगे 4 की वैल्यू, 105. 4 आ जाएगा तो 2 इज वर्टिकली अपोजिट, 2 इज 105. 2 आ जाएगा तो 6 एंड 2 आर कोरस्पोंडिंग, सो 6 इज ऑल्सो 105. ओके, 6 की हेल्प से 8 वर्टिकली अपोजिट, तो 8 इज 105. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इसी मेथड से करना है. एक क्वेश्चन में आप डिफरेंट वे से एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट मस्ट बी राइट. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. सी एग्जांपल 2, एंगल 1 इज 80, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ऐसे 8 हमारा 60 है, तो 6 भी क्या हो जाएगा? 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इंटीरियर हैं, तो चेक करो वेदर दीज आर सप्लीमेंट्री. 80 प्लस 60 140 है, तो ये 180 नहीं है. सो सिंस द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नॉट इक्वल टू 180, सो लाइंस आर नॉट पैरेलल. ओके, तो हम ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं होंगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.7 फाइंड द एंगल मार्क्ड बाय एक्स. अब हमें एंगल निकालना है इसमें. सो हेयर लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन. ओके, राइट? तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी दिस एंगल और दिस एंगल इनका सम कितना होगा? 180. ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 80. एक्चुअली टोटल ये x है. हमने क्या किया, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2. आप देखो लाइंस पैरेलल हैं,
और ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सी वंस अगेन, यहाँ पे क्या है 100 है, ये टोटल एक्स हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ले ली ई एफ, अब ये लाइन भी पैरेलल होगी इन दोनों लाइंस के। अब इसे हम मार्क कर देंगे एंगल 1 और इसे हम मार्क कर देंगे एंगल 2। 101 दे आर इंटीरियर एंगल एंड ऑन द सेम साइड, सो देयर सम इज 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री, और आप इसको नेमिंग दे सकते हैं बी एफ ई या ई एफ बी। ओके, सो इट इज 80। सिमिलरली 110 एंड 2, ये लाइंस पैरेलल है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर है, तो ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो पूरा x कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 80 प्लस 70 यानी 150 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू लाइक 1 2 एज्यूम कर सकते हैं, a भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर एंगल्स का प्रॉपर नेमिंग भी कर सकते हैं। राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ एग्जाम्पल 4, इन दिस फिगर ई एफ पैरेलल टू जी एच एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल कटिंग देम एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। इफ सी एल एंड डी एम आर द बाइसेक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए सी एफ एंड ए डी एच, शो दैट सी एल इज पैरेलल टू डी एम। हमें क्या दे रखा है, दो पैरेलल लाइन ई एफ एंड जी एच, और ये ट्रांसवर्सल ए बी दे रखा है। ओके, अब वो कह रहे हैं सी एल इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। बाइसेक्टर मीन्स यानी इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ऐसे डी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, यानी वी आर गेटिंग टू इक्वल पार्ट्स। ओके, अब हमें शो करना है कि सी एल और डी एम भी आपस में क्या है, पैरेलल। अब आपको गिवन है ई एफ पैरेलल टू जी एच, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल है, यानी ए सी एफ इक्वल्स टू सी डी एच, सी डी एच एंड ए सी एफ आर सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब कोई दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनका हाफ भी क्या होता है, इक्वल। तो हमने दोनों का हाफ ले लिया, हाफ ऑफ ए सी एफ हाफ ऑफ सी डी एच, यानी वी कैन से एल सी एफ या फिर एफ सी एल या फिर ए सी एल, कुछ भी हम ले सकते हैं हाफ हाफ। तो दोनों के हाफ इक्वल हो गए, सो बट दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो सी एल पैरेलल टू डी एम, ये हाफ दिस वन ऑल्सो इक्वल। तो ये एंगल कौन से बन गए हमारे, ये एंगल बन गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, सो दैट्स वाई सी एल पैरेलल टू डी एम। अगर कोई भी एक कंडीशन हो, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो या ऑल्टरनेट इक्वल हो या इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री हो, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो हेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, सो लाइंस आर पैरेलल। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 एग्जांपल, इन दिस फिगर 6.9 शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये फिगर गिवन है, हमें शो करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, सो नाउ वी कैन सी ओवर हियर दिस एंगल इज 75, और यहाँ पे दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है, 75। तो ये कौन से एंगल हो गए हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर हम ऐसे बात करें, ये और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। These are alternate equal. It means EF is parallel to AB. क्योंकि कोई भी एक condition होगी तो lines are parallel. So EF is parallel to AB. Okay? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 है और 135 है. ये दोनों angle interior हैं, on the same side हैं. इन दोनों का sum कितना है, 180 degree. तो it means AB is parallel to CD. Because these are co-interior angle, these are supplementary, so AB parallel to CD. अभी हमने ऊपर लिखा था EF parallel to AB, और यहाँ पे आ गया AB parallel to CD. इसका मतलब क्या है, EF parallel to AB parallel to CD, यानी EF and CD are parallel, right?
पहले आपने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया और फिर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ऑटोमेटिकली ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ कॉन्सेप्ट हाईलाइट. टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180. टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर्म एंड द अदर टू आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म एंड दे मस्ट नॉट ओवरलैप ईच अदर. नाउ एक्सरसाइज 6.1 इज बेस्ड ऑन such type of examples which we have done. You can try these one on your own. Now we are talking about pairs of angles. The first one is complementary angle. Pairs of angle, complementary angles. When the sum of the measure of any two angle is 90 degree, they are said to be complementary and each of them is called complement of the other. Jaise 70 or 20 hai, inka sum 90 hai, okay. 35 or 55 hai, inka sum 90 hai, okay. So these are complementary angle. Now supplementary angles, when the sum of the measure of any two angle is 180, they are said to be supplementary. Each of them is called a supplement of the other. जैसे 50 प्लस 130 है, दे आर सप्लीमेंट्री. 25 एंड 155 है, दोनों का सम भी 180 है, सो दीज आर सप्लीमेंट्री. सो इन फिगर 6.22 एंगल AOC एंड BOC आर सप्लीमेंट्री एंड एज आई टोल्ड यू द सेकेंड वन ऑल्सो सप्लीमेंट्री. नाउ बी श्योर एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर supplementary angles, but every pair of supplementary angles need not form a linear pair. अब अगर दो angles linear pair बनाते हैं तो वो supplementary होंगे, but अगर दो angles supplementary हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो linear pair बनाएंगे, okay? So the next is adjacent angles. In this figure you can see angle AOB and BOC have a common arm OB, a common vertex, and the other arms OA and OC lying on opposite side of OB. Adjacent angles क्या होते हैं? जो साथ साथ होते हैं. First condition क्या है? वो एक ही vertex पे बनने चाहिए. Second condition क्या है? उनकी एक common arm होनी चाहिए. जैसे OB, AOB में OB arm आ रही है और BOC में भी OB arm है, so OB is the common. और जो दो other arms हैं, जो non common हैं, वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए, एक ही साइड पे नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर द थ्री कंडीशन. अगर ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है देन द एंगल्स आर एडजेसेंट, अदरवाइज नॉट. ओके, सो हेयर दे हैव गिवन अस कंसिडर एंगल एओबीसी. नाउ कंसिडर टू एंगल्स AOB एंड AOC. सपोज हमने AOB एंड AOC लिया है, AOB ले लिया और एक हमने ले लिया AOB एंड AOC. अब हम चेक करते हैं वेदर दीज आर एडजेसेंट और नॉट. देखो दे आर एट द सेम वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म. आर्म कौन सी कॉमन हो जाएगी? AO. OA इज द कॉमन आर्म. But the other two arms are not on the opposite side. They do not lie opposite sides of OA. So these are not adjacent. Okay? So be sure the outermost arms of the linear pair form a straight line making an angle equal to two right angle, that is 180 degree. Abhi hum baat karenge linear pair ki. I hope this adjacent is clear to you. So the next is linear pair of angles. So in this figure 6.24, आप देख सकते हैं angle AOB and BOC have a common arm OB, okay, and common vertex इनका O है, and दोनों जो बाकी arms हैं they are on the opposite side of common, so these are adjacent. So also the ray OA and OC are opposite to each other. Such adjacent angles whose non-common arms
आर अपोजिट आर्म्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो एक ही लाइन में आ जाए वो क्या बना देंगी, लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट एंगल. तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. सो टू एडजेसेंट एंगल्स विच हैव वन आर्म कॉमन एंड द अदर टू आर्म अपोजिट टू ईच अदर आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो दैट इज द लीनियर पेयर. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन्स कट करती हैं ऐसे तो उनके जो आमने सामने के एंगल्स बनते हैं. When a pair of lines intersect as shown in this figure, four angles बन गए हमारे पास total. The pairs of opposite angle, जो आमने सामने जो opposite होंगे, those are vertically opposite. Like this one, two are vertically opposite, three and four are vertically opposite. आप कह सकते हैं AOB and COD one pair, AOC and BOD another pair. So these are called vertically opposite. Okay, so आप चेक कर सकते हैं इन दोनों पेयर्स की मेजरमेंट क्या होगी, सेम. सो द टू एंगल्स हैविंग नो कॉमन रे, इनमें कोई कॉमन रे नहीं है, फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ एग्जाम्पल वन, वॉट एंगल इज थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो लेट द एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स. सो लेट एक्स इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 270 माइनस 3x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे. अब हम एक्स सॉल्व कर लेंगे, एक्स को एक साइड कर देंगे, सो 4x इक्वल टू 270. सो वॉट इज एक्स, एक्स इज 270 बाय 4, यू विल गेट 67.5. Now example 2, find the angle which is 1/3 of its supplement. Let the angle be x, supplement kya hoga, 180 minus x. So x equals to 1/3 of 180 minus x. Is 3 ko hum idhar shift kar dein, ye ban jayega 3x equals to 180 minus x. Is minus x ko hum idhar le aayein, ye ban jayega 4x equals to 180. तो x कैसे आ जाएगा हमारे पास, 180 बाय 4, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 45, सो एंगल इज 45. नाउ एग्जांपल 3, इन दिस फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो अब आप देखो ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180. सो 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 180. x कलेक्ट कर लेंगे, 5x यहाँ पे माइनस 10 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 180. 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो 5x इक्वल्स टू 170. सो x इज 34. सो आंसर इज 34. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now concept highlight, linear pair of angles are adjacent and supplementary. If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. Two lines L and M lying in the same plane are said to be parallel if they do not meet anywhere, however far they are extended. A line that intersects two or more lines at a distinct point is called a transversal. If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair or corresponding angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal and each pair of interior angles on the same side are supplementary. That is, co-interior angles are supplementary. So exercise 6.2 is based on such type of question. So you can try on your own, like you can do 5th question, write down the angle which is twice its supplement. So let the angle be x, twice the supplement. So x equals to 2 times of 180 minus x. So aap solve kar lenge, 360 minus 2x, open the bracket. Then 2x ko idhar le aaye, 3x equals to 360. So x is 120.
ओके सो लाइक दिस यू कैन ट्राई. और अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है आपके पास, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आप कैसे करेंगे, 2x प्लस 5, पहले आप x फाइंड करेंगे. यू हैव टू फाइंड एंगल सी बी डी. उसके लिए वी मस्ट नो x. तो x कैसे निकालेंगे हम, 2x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 90. तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3x इक्वल टू 90. तो x क्या आ जाएगा, 30. तो सी बी डी की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस 5 यानी 25. देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ए बी डी. पहले ए बी डी निकालेंगे फिर उसका सप्लीमेंट. ओके 180 में से माइनस कर देंगे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ हियर लाइक 13th क्वेश्चन, दिस फिगर इज गिवन. सो नेम द फॉलोइंग एन एंगल इक्वल टू 2. 2 के इक्वल कौन सा एंगल है, 4, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके 2 इक्वल टू 4. एन एंगल इक्वल टू 1 कौन सा है, 3, लाइक दिस. ओके सो आई होप रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. सम मेंटल मैथ्स क्वेश्चन गिवन, यू कैन ट्राई दीज वन ऑल्सो. नाउ वी आर कमिंग टू MCQ. टेक द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वन, द सप्लीमेंट ऑफ 85. वॉट इज सप्लीमेंट ऑफ 85? 180 माइनस 85, दैट इज 95. द सेकेंड वन, द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 37. 180 माइनस 37, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस कर दो, 143. ओके देन द थर्ड वन, अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री. द फोर्थ वन, द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें सम 90 आएगा, 35 प्लस 55 सम इज 90. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. अब इसमें सम इज नॉट 90, सो दिस इज नॉट. ओके द फिफ्थ वन, द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें सम कितना होगा, 180 डिग्री. आप चेक कर लो, इसमें सम है 180 डिग्री. ओके बाकी में सम इज नॉट 180. नाउ द सिक्स्थ वन, इन दिस क्वेश्चन PQ इज पैरेलल टू NS एंड एंगल PTR. आप देखो PTR, दिस एंगल इज 120. इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है TRS यानी ये एंगल. तो ये दोनों एंगल किस टाइप के हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो दिस इज ऑल्सो 120. सो A इज राइट. ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. इन द फिगर 6.33, ए बी पैरेलल टू सी डी. आपको टू लाइंस पैरेलल दिख रही हैं. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दीज लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल्स क्या बनेंगे, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज 30 प्लस 30 यानी 60. सो वॉट इज एक्स, एक्स इज 60 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ एथ क्वेश्चन, इन विच फिगर 6.34 द टू लाइन्स आर पैरेलल. अब हमें कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें से फाइंड करना है कि लाइन्स किस में पैरेलल है. सो लेट्स कम टू ए. इसमें क्या है 40, इसमें क्या है 60. टू एंगल्स गिवन. अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 60. नाउ 40 एंड 60, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग बट दीज आर नॉट इक्वल. सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल. एज आई टोल्ड यू, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं या फिर को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, अगर तीनों में से एक कंडीशन भी है देन लाइन्स आर पैरेलल. सो हेयर दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग बट दीज आर नॉट इक्वल. सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल. नाउ कम टू बी.
इसमें क्या है 130 है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 130 वर्टिकली अपोजिट। अब ये बन गए को इंटीरियर, अब इनका सम क्या है नॉट 180, तो यहाँ पे भी लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब कम टू सी, ये 160 है, दिस इज 20, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 20, ओके। और आप ये भी कह सकते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर विच एंगल्स, दीज आर को एक्सटीरियर, जो एक ही साइड पे है ट्रांसवर्सल के और एक्सटीरियर है, और इनका सम क्या है 160 प्लस 20 यानी 180, तो ये एंगल क्या है सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो दीज लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल किस में है, सी ऑप्शन में। डी में भी आप चेक कर लो, लाइंस आर नॉट पैरेलल, देखो कैसे 63 है, तो ये भी बन जाएगा 63 वर्टिकली। तो ये दोनों एंगल बन गए को इंटीरियर, बट दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री, इनका सम आ रहा है 126, हमें चाहिए 180, सो दीज आर नॉट पैरेलल। तो ऐसे आप वन बाय वन यू कैन चेक बाय द कंडीशन, बट आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, राइट। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, इन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, टू पैरेलल लाइंस गिवन, और एक एंगल गिवन है ए पी क्यू 120 डिग्री, हमें फाइंड करना है पी क्यू डी, पी क्यू डी यानी ये एंगल। तो ये लाइंस पैरेलल है, ये कौन से एंगल बन गए आपस में, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री, सो आंसर इज ए 120 डिग्री, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग एंड सब्जेक्ट इंटीग्रेशन गिवन, यू कैन ट्राई दीज वन, लाइक द 12th क्वेश्चन, एनालाइज एरर। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, मेहर वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हम देखते हैं उसने कैसे सॉल्व किया है। हेयर टू लाइंस पैरेलल, एम इज पैरेलल टू एन, तो इसने लिया है 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 20, इज इट राइट, इज देयर एनी एरर, आर दीज एंगल्स इक्वल, नो। ये कौन से एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ना ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये है हमारे को इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और बोथ आर इंटीरियर, तो ये इक्वल नहीं होंगे, दीज आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ये एरर है, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर सप्लीमेंट्री, तो हमें इसे रेक्टिफाई करना है, करेक्ट कर देते हैं, these are supplementary, so their sum is 180, so 5x equals to 180 plus 20 yani 200, to x hamara kya aayega 40, okay, so this is the correct answer, fine, I hope this is clear to you, so assertion and reasoning given, you can go through this one and comprehension exercise. So I hope this chapter is clear to you. Go through the chapter. Any problem, we can discuss it. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.